गंगा। गंगा सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि हिमालय के सैकड़ों पवित्र जलधाराओं के संगम का स्वरूप है। गंगा जो देवतुल्य है, गंगा जिसकी महत्ता अमूल्य है। आज हम चलेंगे गंगा निर्माण के उस पहले संगम स्थल पर जिसे सबसे ऊंचा संगम भी कहा जाता है, जो कि पड़ता है बद्रीनाथ धाम के निकट। तो चलिए मेरे साथ पंचप्रयाग में सर्वप्रथम प्रयाग विष्णुप्रयाग के दर्शन करने। जय बद्री विशाल। दोस्तों, आप इन दो नदियों में अभी आप अंतर नहीं बता सकते, आप बता नहीं पाओगे कि कौन सी नदी अलकनंदा है और कौन सी धौली गंगा है, क्योंकि बिल्कुल सिमिलर कलर, एक जैसा कलर इस टाइम दोनों इन नदियों का है। तो हेलो गाइस, मैं हूं दीपक और फिर से वेलकम करता हूं आपका अपने चैनल पर बद्रीनाथ सीरीज के ये सातवें भाग में। आपने इससे पहले बद्रीनाथ के दर्शन करे, हम वसुधारा गए, हमने भारत का प्रथम गांव भी देखा। मैंने पहले ही कहा था कि आपको मैं सबसे ऊंचा प्रयाग जो पांचों प्रयाग में है उसके भी दर्शन कराऊंगा। तो इस वक्त मैं खड़ा हूँ विष्णु प्रयाग में, जो कि संगम भूमि है अलकनंदा और धौली गंगा। वीडियो की शुरुआत मैं इस पॉइंट से कर रहा हूँ, ये व्यू पॉइंट है यहाँ पर, ये वाली रोड जो आगे जोशीमठ चली जाती है और यही सड़क आगे चली जाती है आपकी बद्रीनाथ, और बद्रीनाथ से जो आ रही है ये वाली और ये आ रही है हमारी अलकनंदा, और ये आ रही है ये ऊपर कामेत ग्लेशियर से ये वाली आ रही है धौली गंगा, और यहाँ पे हो रहा है ये पवित्र संगम। तो देखिए कितना विहंगम दृश्य है, और कलर देखिए दोनों का बिल्कुल सिमिलर कलर है, एकदम एक जैसी लग रही है, कोई अंतर नहीं है, ऐसा लग रहा है जैसे ये पूरी की पूरी एक ही नदी हो। आप देख रहे हो इस टाइम एक जैसा बिल्कुल व्यू है। दोस्तों, आप जो ऊपर ये सिर्फ डोरी सी देख रहे हो ना, एक तार था, ये तार नहीं है, ये एक्चुअल में एक केबल ब्रिज था जो इस कोने को उस कोने से जोड़ता था, लोकल गांव वाले यूज करते थे। पर 2 साल पहले 21 में एक ऐसी आपदा आई थी जिसमें 100 फीट से ज्यादा पानी चढ़ा था, और ये पूरा जो घाट है ये नया बना है, मंदिर वंदिर सब उसमें बह गया था और ये पुल भी बह गया था। इससे पहले बद्रीनाथ के आपने सारे भाग देख ही लिए होंगे, इस बार बद्रीनाथ की जो यात्रा रही मेरी वो बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छे से मैंने दर्शन कर लिए। अगर आपने नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं, इससे ऊपर ही अभी बनाई गई है। और अगर मैं मौसम की बात करूं तो बिल्कुल अच्छा मौसम मिला मुझे इस बार, और रोड वगैरह आपको मैंने दिखाई दी है, कहीं कहीं पैचेस में ख़राब है पर ठीक है। यहाँ से बद्रीनाथ रह जाता है 30 किलोमीटर, छोटा सा घाट है पर बहुत शांति है यहाँ पर। पाँचों प्रयाग में सबसे ऊँचा ये प्रयाग विष्णु प्रयाग माना जाता है, जो विष्णु जी के नाम पर है। तो ये बीच में एक दरवाज़ा गेट मिलता है और यहीं से आपका घाट का जो परिसर है जितना भी मंदिर का वो शुरू हो जाता है। यहाँ पे सिटिंग वगैरह है दे रखी है और लोग आते हैं बैठते हैं। ये हमेशा प्रयाग शांत रहता है, मतलब लोग जो बद्रीनाथ जाते हैं बस वही थोड़े बहुत रुकते हैं, भीड़ भड़क का ज़्यादा नहीं रहता, बड़ी शांति का यहाँ पर एहसास होता है, फील होती है, बड़ा सुकून है। और अगर आपको हवा दिखाऊँ तो हवा बहुत ज़रा तेज़ चल रही है, और ज़रा पहाड़ियों के बीच में, हिमालय की इन जो पहाड़ियों के बीच के मध्य में स्थित है ये। यहाँ पे सिटिंग वगैरह का बना रखा है हिसाब किताब। हेलो, क्या हाल है अबर भाई? ये हमारे पंडित जी है, हमेशा जितनी बार भी विष्णुप्रयाग आता हूँ मैं भाई से मिलता हूँ, लास्ट वीडियो में भी थे ना भाई, भाई। तो भाई की शॉप है, जब भी आओ विष्णुप्रयाग तो भाई का है ना बहुत अच्छा है, भाई का चाय नाश्ता वगैरह सब बढ़िया करते हैं भाई। तो सही चल रहा है विष्णुप्रयाग में, कोई दिक्कत तो नहीं अभी? सब बढ़िया है सर, बढ़िया है, कोई बढ़िया है सर, आदमी वगैरह आ रहे हैं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मौसम वोसम सड़क वड़क की? चलो बढ़िया, ऐसे ही चलना चाहिए तुम्हारे धंधा, आते अभी बैठते हैं। तो ये शॉप है एक, और यहाँ पे अगर मैं इसकी बताऊँ तो इसके बारे में जो भौगोलिक वो है इसकी वो दे रखी है, इसकी ऊंचाई है 1458 मीटर इसकी ऊंचाई है, और सबसे दूरी भी लिखी हुई है, जोशीमठ से सिर्फ 14 किलोमीटर ये दूर पड़ता है। यहाँ से जाता है रास्ता नीचे घाट की तरफ, पढ़ सकते हो आप, जिसमें आप देखो ऊपर पढ़ रहे हो विष्णुप्रयाग धाम, धौली गंगा और अलकनंदा का संगम। तो अभी हम नीचे घाट की तरफ चलेंगे, और यहीं पे है नारायण का मंदिर, जो नारायण का मंदिर है विष्णु जी का, हम करे आते हैं संगम के दर्शन। छोटी सी वीडियो होगी पर बहुत आपको मजा आने वाला है, देखते ही ना सबसे पहले ये धौली गंगा देखिए कितनी खतरनाक वेग के साथ बह रही है, ये देखिए। और ये आ गई धौली गंगा जो आ रही है, कामेत ग्लेशियर है ना ऊपर से आ रही है ये, और इसके बाद देखिए बहुत वेग में चल रही हैं।
अभी क्योंकि सितंबर का टाइम है, मानसून बिल्कुल अपने एंड में है, बारिश का ही आप मान सकते हो इसे मौसम, तो सारी नदियों में ना जो जल है वो बहुत ज़्यादा है। हमने बद्रीनाथ में अलकनंदा को भी देखा था कितने उफान पे थी वो, तो दो तीन बार जो मैं पुराने में आया हूँ ना उसके मुकाबले जल अभी बहुत बहुत बड़ा है। तो उतरते उतरते थोड़ी सी सीढ़ियाँ ट्रैक करके जाना होता है, उसके बाद हम पहुँच जाते हैं अपने संगम पर। ज़्यादा आवाज़ आ रही है लाउड के, बहुत ज़्यादा इसके साथ मैच करने के लिए तेज बोलना पड़ रहा है। और ये पहुंच रहे हैं हम संगम पॉइंट पर, दो पवित्र नदियों का संगम, धौली गंगा का और अलकनंदा का। और अभी पता है क्या, धूप हो रही है तेज, दिन के बज रहे हैं दो। पता है घाट पे कोई भी नहीं है, मैं अकेला ही हूँ, पूरा घाट खाली पड़ा है धूप होने की वजह से। और घाट पे सबसे पहले हमें नारायण मिलते हैं, स्वयं विष्णु भगवान, जय हो। विष्णु भगवान की यहाँ पे एक मूर्ति बनाई गई है। थोड़ी बहुत सिटिंग दी गई है यहाँ पे, यहाँ पे लोग बैठ सकते हैं। और देखिए छोटा ही घाट है। अब ये है कि ये दोबारा से बनाया जा रहा है, तो अभी थोड़ा उसमें काम होता 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 रहेगा। और ये आ गए हम संगम पॉइंट पे, ये देखिए। और ये है संगम पॉइंट अलकनंदा, जो बहुत ज़्यादा वेग के साथ आ रही है। और यहाँ पे हो रहा है संगम, और ये हो रही है धौली गंगा, ये देखिए, है ना बहुत पवित्र स्थान। तो आ गए आखिरकार पांच प्रयाग में, सबसे ऊपर प्रयाग विष्णु प्रयाग में, और सबसे ज्यादा हाइट इसी की है, बद्रीनाथ के बिल्कुल पास पड़ता है। और पीछे देखिए, मैंने आपको बोला है ना अलकनंदा जो पांचों नदियों में संगम करती है उसकी शुरुआत यहीं से होती है, सबसे पहला संगम होता है और वो है धौली गंगा के साथ। वक्त दोनों नदियों का कलर, दोनों नदियों का वेग, दोनों नदियों की स्पीड बिल्कुल सिमिलर है। देखिए बिल्कुल कलर तो एकदम मैच कर रहा है, बता ही नहीं लग रहा, वरना हर नदी जहाँ भी संगम होता है दोनों नदियों का कोई डिफरेंस होता है, यहाँ तो कोई डिफरेंस ही नहीं समझ आ रहा। दोस्तों पंचप्रयाग में सबसे ऊंचा प्रयाग विष्णु प्रयाग को ही कहा गया है, और यहाँ पे जो दो नदियाँ अलकनंदा और धौली गंगा का संगम होता है, इसमें आपकी अलकनंदा आती है सतोपंत ग्लेशियर से, और जो धौली गंगा है वो आती है कामेत ग्लेशियर से। और यहीं पे बहुत लोग आते हैं अपना पूजा वगैरह मुंडन वगैरह के कार्य भी यहाँ घाट पर होते रहते हैं। लोग आते हैं जो बद्रीनाथ जाते हैं, तो या तो बद्रीनाथ के घाट पे कराते हैं अलकनंदा घाट पर, या फिर विष्णु प्रयाग में लोग कराते हैं अपना जो भी पितृ की पूजा वगैरह होती है ना, पिंडदान वगैरह, वो सब यहाँ पर होता है। तो नीचे के मैंने आपको दर्शन करा दिए, ऊपर की तरफ चलते हैं और जो मंदिर वगैरह है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जब आप बद्रीनाथ की यात्रा करें तो यहाँ रुकते हुए जाओगे, अच्छा लगेगा आपको। आगे ऊपर की तरफ, अब अंदर आपको मंदिर की तरफ लेके चलता हूँ। इसमें लिखा हुआ है देखिए, मंदिर श्री भगवान विष्णु नारायण जी, तो अंदर ही है मंदिर। जो आप धामों में जाके खोजते हो वो शांति आपको यहाँ मिलती है इस संगम। और ये है सामने, और यही है नारायण जो आपको दिख रहे हैं, शालिग्राम से शैली में है काले पत्थर के, और ये है नारायण। यहाँ से ये आप ऊपर से व्यू पॉइंट मान सकते हो, यहाँ बेंचेस वगैरह लगी है, और यहाँ से और दिव्य लगता है देखने में। देखिए दोस्तों, यही थी एक छोटी सी पर अध्यात्म और एडवेंचर से भरी हुई वीडियो विष्णु प्रयाग संगम की। मैंने आपको संगम के दर्शन कराए, नीचे घाट पे ले जाया और दिखाया कैसे जो गंगा बनती है वो इतनी दिव्य जो धाराएं निकलती है, पवित्र जल धाराएं हिमालय की, उनसे मिलके बनती है, तो उन्हीं में से एक था ये विष्णु प्रयाग। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी, अपना प्यार जरूर देना, वीडियो को लाइक करना और सबको शेयर कर देना, अपने ग्रुप में, फ्रेंड में, परिवारजनों को सबको शेयर करना और अच्छे अच्छे कमेंट करना, और
चैनल पे अगर नए हो तो कर दो जल्दी से सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दो, क्योंकि मेरे चैनल पर इसी तरीके की धार्मिक अध्यात्म से भरी वीडियो आती रहती है। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में, नए ब्लॉग में, नए एडवेंचर के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, जय बद्री विशाल, हर हर गंगे, नमस्कार।